अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है 3.1, 20 न्यूटन फोर्स मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मास। फाइंड क्या करना है हमने, मास हमारे पास है, फोर्स गिवन है और एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ गया गिवन डाटा। देन हमने फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड मास ऑफ द बॉडी एम हमने फाइंड करना है। देन By applying Newton's second law of motion, which is F is equal to ma, यहाँ पे F भी हमारे पास गिवन है, acceleration भी हमारे पास गिवन है, सिर्फ हमने m find करना है। इसको rearrange करते हैं, इस formula को m find करना है, तो m यही रहेगा, a दूसरी side पे जाके divide हो जाएगा। m is equal to F over a. So by putting the values we have, m इज इक्वल टू एफ की वैल्यू एंड ए की वैल्यू पुट कर दी हमने 20/2, सो m इज इक्वल टू 10 kg, विच इज मास ऑफ द बॉडी। अब ये यूनिट कहाँ से आया हमारे पास, 20 की जो हमारे पास फोर्स का यूनिट था वो था न्यूटन, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब हमें पता है न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कट हो गया, तो हमारे पास जो यूनिट बटा वो है केजी। मास का यूनिट है केजी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3.2, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मास। अब हमें यहाँ पे वेट गिवन है, हमने फाइंड करना है मास। वेट का फॉर्मूला हमारे पास, हमें क्या पता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। इसका मतलब हम यहाँ से मास फाइंड कर सकते हैं। वेट हमारे पास गिवन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि 10 m/s होती है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। गिवन डाटा, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू, वेट इज इक्वल टू 147 न्यूटन, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जी इज इक्वल टू 10 m/s। रिक्वायर्ड क्या है, मास फाइंड करना है, सो हम ये फार्मूला लगाएंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पे डब्ल्यू गिवन है, जी हमें पता है, फाइंड हमने करना है एम, तो इस फार्मूले को रीअरेंज करते हैं, m इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी बाई पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, वैल्यू पुट कर दें, m इज इक्वल टू 147 / 10, ये न्यूटन है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है, न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एंड एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एक्सेलरेशन के यूनिट से कट आउट हो गया, तो मास हमारे पास क्या आया डिवीजन के बाद, 14.7 kg। रिजल्ट, मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू m, 14.7 kg।